हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टारगेट 746 सीरीज का आज ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी नए मेंबर चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है टारगेट 746 सीरीज, जिसके अंतर्गत हम रोज रात 8 बजे आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए और 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है कनिष्ठ सहायक और इंटरमीडिएट स्तर का, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं हमारी सीरीज से 31 अक्टूबर के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सीरीज से ज्वाइन हो जाइए और रोज़ रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, समय ना गंवाते हुए आइए आज का प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कुन कुन खाल दर्रा किस जनपद में है। ठीक, तो दर्रे से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पूछा है कुन कुन खाल दर्रा, तो कुन कुन खाल दर्रा जो है वो है आपका चमोली में। तो बी ऑप्शन एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी युद्ध करते हुए गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक, तो माधो सिंह भंडारी की हमने कल भी बात करी थी, कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें माधो सिंह भंडारी की बात हुई थी। ठीक, तो महीपति शाह जो थे पवार वंश के राजा, उनके ये क्या थे, सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, और ये जो हैं सतलज नदी पर एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो नदी पूछा है तो सतलज नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति में मात्र सत्ता प्रथा प्रचलित थी, भोटिया में, गोंड में, थारू में या बुक्सा में, यानी कि माताओं का शासन था। तो ऐसी जनजाति थी उत्तराखंड में थारू जनजाति, जहाँ पर मात्र सत्ता है यानी कि माताओं का शासन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, पूछा गया है अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में उभरा था, अपिको आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो चिपको आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था अपिको आंदोलन। ठीक, और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। ठीक, और ये जो अपिको आंदोलन चला था वो दोस्तों चला था 1883 में कर्नाटक से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा इसका, कि अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में उभरा था। अपिको आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ, तो 1883 से ये शुरू हुआ अपिको आंदोलन, और कर्नाटक से ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन, पूछा गया है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 या 69वां संविधान संशोधन 1990 या 72वां संविधान संशोधन 1992 या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम राइट हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, जिसके तहत दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो करी थी मुसलीपट्टनम में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सातवां क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक, तो ये बक्सर लिखा हुआ है, अगर सही से आपको दिख नहीं रहा है तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका, यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 1764 में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था अंग्रेज और यहाँ पे थी संयुक्त सेना। ठीक, तो संयुक्त सेना में आपके यहाँ पे तीन लोग थे, एक तो था आपका मीर कासिम, ठीक, और दूसरा था आपका
शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और एक थे आपके मुगल बादशाह जिनका नाम था शाह आलम। तो तीन लोग यहाँ से थे, यानी कि संयुक्त सेना थी, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हेक्टर मुंद्रो। ठीक, हेक्टर मुंद्रो। और ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक, जिसमें जो हेक्टर मुंद्रो था उसकी जीत हुई थी। तो आठवां क्वेश्चन लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस जो है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नवा क्वेश्चन, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो पीवीएस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में कि अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या वॉलीबॉल। तो अरुण जखमोला जो संबंधित हैं वो वॉलीबॉल से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दसवां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नामदफा, पूछा गया है ये किस राज्य में है भारत के, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश या केरल में। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम दैनिक पत्र है वो है आपका सुधा वर्षण। ठीक, सुधा वर्षण है। उद्दत मांडर जो था वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, और दैनिक पत्र जो था वो आपका सुधा वर्षण था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बारहवां क्वेश्चन पूछा गया है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? तो जो ये छंद होती हैं जिसमें मात्राएं होती है, तो ज़रूर आप पढ़ लें, चौपाया में कितनी होती है, रोला में कितनी होती हैं, और बाकी जो छंद होते हैं उनको एक बार जरूर देख लें। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे 24-24 मात्राएं पूछी हैं कि किस छंद में होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों आपकी रोला में। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तेरहवां क्वेश्चन है, पूछा गया है, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के होते हैं आपके 4 अंग। ठीक, 4 अंग कौन कौन से होंगे? एक तो होता है आपका स्थायी भाव, एक होता है आपका विभाव, उसके बाद एक होता है जिसको कहते हैं अनुभाव, और एक और होता है रस का अंग जिसको कहते हैं संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो ए जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौदहवां क्वेश्चन पूछा गया है कि चिन्मयी का सही संधि विच्छेद होगा। चिन्मयी यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। पहला है चिन्ह धनमयी, बी ऑप्शन है ची प्लस अनमयी, सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चित प्लस मयी, या डी कह रहा है कि सभी होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, चित्त धन मयी। ठीक, तो अगर आपने नियम पढ़े हैं व्यंजन संधि के, तो जो न है वो क्या हो जाता है, तव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए चिन्मय का सही संधि विच्छेद होगा चित्त धन मयी, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। पंद्रहवां क्वेश्चन है, चंडास का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, सूर्य है, सिंह है, सर्प है या चंद्रमा है। तो चंडास का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका सूर्य। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोलहवां क्वेश्चन है, प्रफुल्ल का विलोम है, प्रफुल्ल का विलोम आपको बताना है खुशी, प्रत्यक्ष, सरस या म्लान। ठीक, तो प्रफुल्ल का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन डी मलान, तो मलान यहाँ पर सही हो जाएगा एकदम। सत्रहवां क्वेश्चन है, पूछा गया है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जामों में। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था उसका प्रकाशन वर्ष है 1900, यानी कि बी ऑप्शन एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अठारहवां क्वेश्चन कह रहा है कि संकीर्ण का विलोम क्या है। संकीर्ण का विलोम आपसे पूछा गया है, संक्षेप होता है या विस्तीर्ण होता है या विकीर्ण होता है या इनमें से कोई नहीं। तो संकीर्ण का जो विलोम होगा वो होगा विस्तीर्ण। ठीक, तो ये ऐसे लिखा हुआ है विस्तीर्ण, इस तरह से लिखा हुआ है। तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है कि ई प्रत्यय किस शब्द में है। तो यहाँ पे 4 शब्द आपको दिए हैं, इनमें से ई प्रत्यय आपको बताना है, तेली है, चमेली है, माली है या अलबेली है। ठीक, तो उपसर्ग और प्रत्यय की बात हमने कल भी करी थी, प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग मूल शब्द के प्रथम में लगता है। तो यहाँ पे ई प्रत्यय पूछा गया है, पूछा गया कि किस शब्द में नहीं है। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, कहीं पर नहीं है लिखा होता है। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये पूछ रहा है कि है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली, चमेली, माली और अलबेली। तो तेली जो शब्द है उसमें ई प्रत्यय नहीं है, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, कैवत्य शब्द का तद्भव रूप है, कैवत्य शब्द का तद्भव रूप, कैवत्य का तद्भव आपको बताना है। तो कैवत्य का जो तद्भव होगा वो होगा केवट, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, खेरागढ़ की संधि कब हुई? ठीक, तो खेड़ागढ़ की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1688 में। ठीक, तो खेड़ागढ़ की जो संधि हुई थी 1688 में हुई थी, और किस किस के बीच हुई थी? तो एक चंद राजा था जिसका नाम था उद्योग चंद, और डोटी का एक शासक था जिसका नाम था देवपाल। ठीक, इन दोनों के मध्य एक संधि हुई थी जिसको हम खेड़ागढ़ की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत ये था कि जो भी डोटी का शासक था जैसे देवपाल है, वो किसको कर देगा? चंद शासक को देगा, यानी कि उद्योग चंद को क्या देगा? ये कर देगा। ठीक, तो ये संधि हुई थी किसके बीच? उद्योग चंद और देवपाल के बीच, कब? 1688 में। लेकिन फिर क्या होता है, जो डोटी का शासक ये देवपाल होता है, संधि की अवहेलना करता है, यहाँ पे कर नहीं देता है, जिसके बाद उद्योग चंद इस पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद क्या होता है, उद्योग चंद खुद हार जाता है, तो निराश हो जाता है उद्योग चंद। उसके बाद उद्योग चंद जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करता, यानी कि वो युद्ध को छोड़ देता है बिल्कुल ही। ठीक, और ये चले जाता है भगवान की शरण में उद्योग चंद। ठीक, तभी इसको रुद्रचंद था, उसने तपस्वी राजा भी कहा है उद्योग चंद को। और अगर पूछा जाए कि 100,000 दीप जलाकर किसने दिवाली मनाई थी, तो यही था आपका कौन? उद्योग चंद। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन लेते हैं। 22वां क्वेश्चन था, नंदा देवी यात्रा का पहला पड़ाव है, तो नंदा देवी यात्रा क्योंकि विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, तो पहला पड़ाव कौन सा इसमें से पूछा गया है? तोप, नौटी, इंद्राबदाणी या नंदकेसरी। ठीक, तो नंदा देवी यात्रा का पहला पड़ाव जो है वो है आपका इंद्राबदाणी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नंदा देवी यात्रा की कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी सचिवालय सुरक्षा में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो नंदा देवी की अगर हम बात करें, तो नंदा देवी की यात्रा की जो शुरुआत होती है वो चमोली से होती है। चमोली में एक नौटी गांव है जहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है, और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जो है वो है आपका होमकुंड, जो कि त्रिशूर पर्वत की तलहटी पर बसा है होमकुंड। और इस यात्रा की कुल दूरी, और दूरी है आपकी 280 किलोमीटर, यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी सचिवालय सुरक्षा के एग्ज़ाम में। अगर पूछे कितने दिन लगेंगे इसको यात्रा को पूरा करने में, तो 19 से 20 दिन इस यात्रा को पूरा करने में लगते हैं। कितने पड़ाव हैं अगर पूछा जाए, तो यहाँ पे होते हैं आपका 20 पड़ाव, और पहला पड़ाव कौन सा है इसमें? इंद्राबदाणी। ठीक, अगर पूछा जाए कि ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है, ससुराल क्षेत्र से, तो ससुराल क्षेत्र से पहला पड़ाव होता है आपका कुलसारी। ठीक, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे नंदा देवी यात्रा से। तो यात्रा जो है नंदा देवी यात्रा, उसको एक बार आप जरूर डिटेल से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलों की घाटी का अन्य नाम है, फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या है? भिंडियार घाटी है, पुष्परसा है, फैंक स्मैथ घाटी है, या सभी हैं? ठीक, तो फूलों की घाटी को भिंडियार घाटी भी कहते हैं, पुष्परसा भी कहते हैं, फ्रैंक स्मैथ घाटी भी कहते हैं, यानी कि सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो फूलों की घाटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, फूलों की घाटी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं, फूलों की घाटी के बारे में। तो फूलों की घाटी की जो खोज करी थी वो 1931 में करी थी किसने? फ्रैंक स्मिथ। और ये खोज गलती से हो गई थी, क्योंकि जो फ्रैंक स्मिथ थे, उनके जो साथी थे, वो कामेट पर्वत के अभियान पर जा रहे थे, यानी कि कामेट पर्वत पर चढ़ रहे थे, और गलती से रास्ता भूल गए, तो कहाँ पहुँच गए? फूलों की घाटी पहुँच गए। तो 1931 की ये घटना है जहाँ पर फ्रैंक स्मिथ खोज कर देते हैं किसकी? फूलों की घाटी की। ठीक, अगर पूछा जाए फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच है, तो गंद और मादन दो पर्वत हैं जहाँ, जिन दो पर्वतों के बीच में ये फूलों की घाटी स्थित है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की नदी में कौन सी नदी बहती है फूलों की घाटी में, तो पुष्पावती नदी जो है वो फूलों की घाटी से होकर बहती है। और लिंगा और आंचरी ताल कहाँ है? फूलों की घाटी में है। और जो फूलों की घाटी है उसको 1982 में क्या करा है? नेशनल पार्क बना दिया गया है, यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और 2005 में इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। ठीक, तो ऐसे ही काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं फूलों की घाटी से, फूलों की घाटी को भी एक बार आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24वां क्वेश्चन पूछा जाए कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो अभी हाल ही में वन रिपोर्ट जारी हुई है 2019 में, और इसके अनुसार अगर पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जिले में वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा
अब वृद्धि जो हुई है आपकी, वो हुई है आपकी उत्तरकाशी में, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये हुई है उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उत्तरकाशी में, उसके बाद नैनीताल में, ठीक। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछ ले, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वृद्धि पौड़ी में हुई है, उसके बाद ऊधम सिंह नगर में हुई है, ठीक। सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछ ले, कुछ ना कहीं पूछे, खाली पूछे सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो उत्तरकाशी में। पूछे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो पौड़ी में हुई है, उसके बाद ऊधम सिंह नगर में हुई, ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि जहाँ पे वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका नैनीताल, ठीक, नैनीताल। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा वन पूछे जाएँ तो उत्तरकाशी में वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो पौड़ी में है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, जहाँ पे वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका नैनीताल, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, और 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विनोद बर्तवाल आयोग ने कितने जिलों का प्रस्ताव रखा था, ठीक। तो विनोद बर्थवाल समिति या विनोद बर्थवाल आयोग जो था, वो था राजधानी से संबंधित आयोग था, ठीक, राजधानी से संबंधित एक आयोग था, ठीक। तो इसने कहा था कि कितने ज़िले होने चाहिए, इनमें कहा था कि 16 ज़िले होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। 16 ज़िलों की इन्होंने बात करी थी विनोद बर्थवाल समिति ने। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड की राजधानी है, उस राजधानी से संबंधित चार समितियां बनी थी कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए चार समितियां बनी थी पहले, ठीक। एक तो बनी थी आपकी, जिसको हम कहते हैं रमा शंकर कौशिक समिति, रमा शंकर कौशिक समिति एक बनी थी। उसके बाद दूसरी जो बनी थी, वो बनी थी विनोद बर्थवाल समिति। उसके बाद एक और बनी थी, जिसको जॉर्ज कमेटी के नाम से जाना जाता है, जॉर्ज कमेटी। फिर उसके बाद एक और समिति बनी थी, वो थी आपकी वीरेंद्र दीक्षित समिति। रामाशंकर कौशिक जो समिति थी, उसने कहा कि 14 जिले होने चाहिए और राजधानी कहाँ होनी चाहिए, आपकी गैरसैंण में होनी चाहिए, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति ने कहाँ राजधानी होने का प्रस्ताव रखा था। तो रामाशंकर कौशिक ने क्या कहा था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए और 14 जिले होने चाहिए। विनोद बर्थवाल समिति ने कहा कि 16 जिले होने चाहिए और राजधानी कहाँ होनी चाहिए, हरिद्वार होनी चाहिए। उसके बाद जॉर्ज कमेटी ने कहा था कि जो राजधानी है वो US नगर, यानी कि ऊधम सिंह नगर में होनी चाहिए। विनोद दीक्षित समिति जो थी, उन्होंने कहा कि राजधानी का होनी चाहिए देहरादून होनी चाहिए, ठीक। तो विनोद दीक्षित समिति के आधार पर ही क्या है, यहाँ पर देहरादून राजधानी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 26वां क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं, वो हैं आपके अरविंद घोष, ठीक। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी कि आपसे पूछ ले डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिवाइन लाइफ अगर पूछा जाए तो शिवानंद हैं, लाइफ डिवाइन अगर पूछा जाए तो अरविंद घोष हैं। तो हमसे लाइफ डिवाइन पूछा है तो कौन है, बी, यानी कि अरविंद घोष यहाँ पर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया कि उत्तराखंड में विकास मेला कहाँ लगता है, ठीक। ऑप्शन दिए हुए हैं पौड़ी, चमोली, देहरादून और पंतनगर। तो विकास मेला जो लगता है दोस्तों, वो लगता है आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चार तो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, ठीक। तो सही जो आंसर है इसका, वो है आपका टिहरी, ठीक, टिहरी है। तो विकास मेला कहाँ लगता है, टिहरी में लगता है, ठीक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है टिहरी इसमें, तो आंसर क्या होगा इसका, टिहरी होगा, ठीक। ये आप ज़रूर देख लें, विकास मेला कहाँ लगता है, टिहरी में लगता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 28वां क्वेश्चन है, एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। तो CPU की क्षमता मापी जाती है, वो मापी जाती है MIPS में, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, पूछा गया है कि P, Q, R और S चार क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें P और S में 30 दिन हैं। पूछा गया है कि S कौन सा महीना है, ठीक। तो दोस्तों, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, बिल्कुल ही नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बस आपको वही ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है,
रीजनिंग के दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 4 से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे होते हैं, बिल्कुल ईजी और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि PQRS 4 क्रमानुसार महीने, यानी कि क्रम से ये महीने होंगे, ठीक, जिनमें पी और एस में 30 दिन हैं, ठीक। तो पी और एस में क्या होंगे, 30 दिन होंगे। तो जैसे हमने मान लिया पी है आपका, पी महीना हमने मान लिया जून है, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। उसके बाद हमने पी क्यू कह रहा है, ये क्यू में जून के बाद क्या होगा, जुलाई होगा, यानी कि क्रमानुसार महीने होने चाहिए कह रहा है। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त के क्या बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, ठीक। तो जून में 30 होते हैं, जुलाई में आपको पता होगा 31 महीने होते हैं, और अगस्त में भी कितने होते हैं, 31 महीने होते हैं, और सितंबर में कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं। ये पी क्यू आर एस हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और एस में 30 दिन है, तो पी कौन सा है, जून, 30 दिन है, और एस में कौन सा है, सितंबर है, इसमें भी 30 दिन है, ठीक। तो पूछा है कि एस कौन सा महीना है, तो एस कौन सा महीना हो जाएगा, यहाँ पे सितंबर का महीना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहा है 2021 में जो भी हुआ है, किसमें पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, वो जीता है आपका, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, नोवाक जोविक, ठीक। और नोवाक जोविक ने किसको हराया है, डेनियल मेनदेव को हराया है, और पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक। तो दोस्तों आज की सीरीज़ के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों आपको लग रहा है कि क्वेश्चन UKSSC सिलेबस पर आधारित हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत बना रहे हैं, तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे कि आगे तक ये वीडियो पहुँच सके, लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।